बनिया, उन्हां छावां दा की बनिया। भाव जिहड़े असीं दुख सुख प्यार दे गिले शिकवे साडे सांझे सी, शायद वह अधूरे रह गए हैं, क्योंकि कवि नूं रुजगार की चिंता पै गई, जिस करके उसका प्यार जिहड़ा है अध वाटे रह गया। उस तों बाद कवि कहिंदा, कवि हो के किद्दां अणपढ़ी छड जांदा तेरे नैणां दे अंदर लिखी इकरार दी कविता। कवि कह रहा है कि वह कवि है, इस करके अपनी महबूबा दे नज़रां पढ़ सकता है। उहदियां नज़रां दे विच जो उसके वास्ते प्यार सी, वह उन्हूं पूरा एहसास है कि उसकी महबूबा उन्हूं किन्ना प्यार करदी सी, पर वो उसके प्यार नूं पूर्णता नहीं दे सकता, क्योंकि समाज में उसकी सब तो वड्डी जिम्मेवारी पहला अपना रुजगार लेना है, जिस करके वह अधूरे छड के अपने रुजगार की खातर गया है। कहिंदा अपनी प्रेमिका दे नैणा विच लिखी हुई प्यार की कविता उन्हें पढ़ी आ, पर उस कविता नूं पूर्ण नहीं कर सकिया, क्योंकि उसनूं अपनी वड्डी भैन दे विआह का फिक्र सी, उसनूं अपने बुढ़े मापियां दी बीमारी का फिक्र सी, जिस करके उहदियां ख्वाहिशां अपनियां पूरियां नहीं कर सकिया। तेरे लिए राख में होठां ते है पथरा गई अड़िए, बड़ी कौड़ी बड़ी बेरस मेरे रुजगार की कविता। कहिंदा तू जिन्ना होठां दे नाल मैं तेनू प्यार करना सी, कवि एक बड़ी ओपनली गल कर रहा है कि मैं अपनी प्रेमिका नूं, कवि अपनी प्रेमिका नूं जो प्यार दे लफ़्ज़ अपने बुलां राहीं अपने होठां राहीं कहना चाहुंदा सी, वो लफ़्ज़ उसदे उहदी ज़बान ते आ के रुक गए हन, क्योंकि उसनूं रुजगार वर्गे औखे ते कौड़े जिहड़े अहसास ने उन्हां ने दुखी कर दिता है। इस देश दे विच रुजगार ना मिलण करके उसका प्यार भी अधूरा है, उसनूं उसदे प्यार की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी पूजा मेरे ईमान अज दोवें ही जख्मी ने। कवि अज का मतलब है जदों कवि अपनी प्रेमिका तो दूर होया है, और दूर होण का कारण की है, उहदी आर्थिक तंगी का कारण की है, उहदी बेरोज़गारी। तो कहिंदा जिस तरह मैं कवि अपनी प्रेमिका तो दूर होया है, उसनूं इंज लग रहा है कि उसनूं प्यार एक पूजा वर्गा लगता सी, पर अज वो पूजा जां प्यार दी पूजा उसकी अधूरी है। उसनूं प्यार एक अपना धर्म ईमान लगता सी, अज उसका धर्म ईमान भी अधूरा है, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका नूं दित्ते हुए वादे पूरे नहीं कर सकिया, तो उसनूं रुजगार दी उसनूं अपनी रोजी रोटी दी भुख ने ज़्यादा तंग किया। तेरा हासा ते अलसी ते फुल्लां दा रुमकदा हासा, कहिंदा हे अपनी प्रेमिका नूं कहिंदा है कि तेरा हासा ते जिहड़ा अलसी ते फुल्लां दा टहकदा हासा आ, वह दोवें मैनूं इक्को जिहे लगदे। मैं खेतां दा पुत हाँ, कहिंदा मैं किसान दा पुत हाँ, तो उन्हां मेरे खेतां दे विच उगे हुए अलसी दे फुल ते तेरे हासे विच संपूर्णता लग इक्को जी मैनूं झलक मिलदी है। पर कवि अनुसार वह उसदे अलसी दे फुल्लां दा हासा तो पूरा कर लिया उन्हें, कि उन्हें अपने पिता दे नाल अपनी खेतीबाड़ी च मदद की, पर अपनी प्रेमिका दे हासे नूं पूरन नहीं कर सकिया, क्योंकि उसदे कोल हाले रुजगार रूपी कविता पई आ, जिस करके उसनूं प्यार दा पूरा एहसास अपना पूरा नहीं होया। उहदा मैनू जद लै के तुर जाते ने तेरी खुशी दे दुश्मन, बड़ा बेशर्म होकर हाथ कड़ी का टुणकदा हासा। हुण इत्थे कवि गल कर रहा कि जदों वह समाज में चलिया लहरां का हिस्सा बन के अपने हक लई लड़ाई लड़ता है। ये कवि जिहड़ा अवतार सिंह पाश है, इन्हूं बहुत बार जेल भी जाना पिया सी, कारण उहदा की सी कि इन्हां नूं उस वेले एक जुझारवादी लहर चली सी पंजाब दे विच, जिस दे विच बहुत सारे जिदा जिहड़े नौजवान ने वो उन्होंने अपने हकों की लड़ाई छेड़ी, तो पुलिस उन्होंने कई बार फड़ के जेल च बंद कर देती सी। तो कवि भी उस लहर का हिस्सा बनता हुआ कहता है कि जदों अपने हकों वास्ते समाज नाल लड़दा है, तो उसनू सरकारां नाल लड़दा है, राजनीतिवाना दे नाल लड़दा है, तो उसनू जेल में सुट दिता जाता है, तो उसकी हाथ घड़ी का जिहड़ा हाथ घड़ी की आवाज़ जिहड़ी है वह बड़ी बेशर्म है, वह आवाज़ जिहड़ी है उसने उसकी प्रेमिका के हासे नूं दबा दिता है। समझ रहे हैं कि कवि का जिहड़ा अपना जिहड़ा अहसास आ, वह किहड़े अहसास च दब, प्यार का अहसास कादे च दब गया, संघर्ष के अहसास च, उन्हूं संघर्ष करना पिया अपने हकों वास्ते, जिस करके उन्हूं जेल च जाना पिया। मतलब कवि सिर्फ अपनी गल नहीं कर रहा, कवि अपने वर्गे होर नौजवानों की गल कर रहा है जिहड़े अपने हकों वास्ते राजनीति नाल सियासत नाल टक्कर लेंदे हन, ते अंत विच उन्हां नूं जेल की हवा खानी पैंदी है, ते उन्हां दे प्यार दे किस्से अधूरे रह जांदे आ। तुहाडे सामने भगत सिंह दी एग्जाम्पल है वी उहदा अधूरा रह गया प्यार है, उन्हूं अपनी प्रेमिका दे नाल अपनी मतलब जिहड़ी मंगेतर सी उहदे नाल, उहदी मंगेतर उहनूं बहुत चाहुंदी अंत तक, पर उहदा विआह नहीं हो सकिया, अधूरा प्यार रह गया उहदा। कहिंदा उसे प्रकार जिहड़े संघर्ष दे मार्ग ते चलदे हन उहनां नूं प्यार दा सुपना अधूरा रह जांदा है।
तेरा बूहा ही है जिस थां झुक जाता है सिर मेरा, मैं बूहे जेल दे ते सत वारी थुक के लंघदा हाँ। कवि अपनी बहादुरी का ते अपने अंदर प्यार दे एहसास का टाकरा करता। कवि कहता है कि उसकी प्रेमिका दे घर का बूहा ही है जिस ते वह सिर झुका के लंघदा है। कहिंदा भाव कि उहदे अंदर अपनी प्रेमिका लई प्यार अज भी है, बेशक वह प्यार पूरा नहीं होया, पर कहिंदा कि उहदे अंदर गैरत भी बहुत आ, उहदे अंदर अणख भी बहुत आ। वह अणख ते गैरत दा मारिया होया जेल दे बूहे नूं थुक के लंघदा है, भाव उसनूं नफरत करदा है, पर अपनी प्रेमिका दे बूहे अगे सिर झुकाउंदा है, अर्थात उसनूं प्यार दा एहसास है, पर उसनूं नाल नाल अपनी अणख ते गैरत भी वंगारदी है कि उसनूं जालमां दे खिलाफ लड़ना पएगा, जिस करके उसका प्यार अधूरा है। मेरे पिंडे विच ही सत्या है कि मैं विश विश के जींदा हाँ, मैं अग्यों हाकमां दे शेर वांगू बुख के लंघदा हाँ। कहिंदा पिंड विच, पिंड मतलब पिंडा नहीं पिंड, पिंड दा मतलब उहदा जिथे उह रहिंदा आ। कवि दा कहना है कि उसदे पिंड विच मिले होए प्यार दा एक उसनूं एक एहसास आ, सत्या हुंदा एक साह सत जिवें ताकत। कहिंदा पिंड दे जां अपने मोह दी मिट्टी दे मोह दी इन्नी ताकत है कि अपनी मिट्टी वास्ते अपने वास्ते उह संघर्ष करना चाहुंदा है। विश विश के जूणा हुंदा है किसे दा आदर करना, सत्कार करना। कहिंदा उसनूं अपनी मिट्टी नाल, अपने पिंड दे लोकां दीआं लोड़ां नाल, अपने पिंड दे लोकां दीआं जिहड़ियां तंगियां तुरशियां ने उहनां दा उसनूं अहसास है, जिस करके उहनां दे हर हक वास्ते उह लड़ना चाहुंदा है। ते पर जिहड़े हाकम ने राजे ने समय दे, उन्हां राजियां दी उह परवाह नहीं करदा, उन्हां अगों शेरां वांगू गरज के लंघदा है, अर्थात उस दे अंदर एक पासे कोमलता दा एहसास है, दूजे पासे शक्ति दा एहसास है। कि कोमल उह कित्थे आ? अपने पिंड दे लोकां लई, अपनी प्रेमिका लई। ते शक्ति दा एहसास उहदा कित्थे आ? हाकमां नाल लड़न दी, टक्कर लैण दी उहदे अंदर ताकत है, जिस करके अपनी प्रेमिका नूं संबोधन करदा होया कहिंदा है कि उसनूं इह लगेगा कि उसने वफा नहीं कीती। पर उसने वफा क्यों नहीं कीती? उसका कारण दसता है कि वह बेरोज़गारी का सताया होया, रोजी रोटी लई संघर्ष करने वाला, अपने मंडिया च रोलदियां अपनियां फसलों लई संघर्ष करने वाला किसान का पुत्र है, जिस करके उसनूं अपने प्यार के अधूरेपण का गिला तो जरूर है, पर उसनूं अपने फर्ज भी वाजा मार रहे हैं। वह अपने फर्जा वास्ते अपनी प्यार नूं कुर्बान करने वास्ते तैयार है।